हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद त्रिचा चैनल। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये है कि हमारा रीनेट हो गया नहीं। अब तक चांस जो है पूरे लग रहे थे हमारे जो है रीनेट होने के, लेकिन जब से यहाँ पर जो है ये न्यूज आई है कि यहाँ पर जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, यूजीसी नेट एग्जाम वाला, यहाँ पर जो है इसके खिलाफ जो हमारा 21 अगस्त को एग्जाम होने जा रहा है, दलील जो है दर्ज की गई है, उसमें उनका कहना यह है कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं था, जो सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है, तो उसके बाद फिर पेपर दोबारा होने का रीजन ही नहीं बचता। रीजन पहले ही दिया गया था, पेपर लीक है, रद्द हुआ तो पेपर आपका दोबारा करवाया जा रहा है। लेकिन जब आपका पेपर रद्द हुआ ही नहीं, तो अब बच्चों की डिमांड है कि जो है हमारा जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, उसी के आधार पर हमारा रिजल्ट दिया जाए। ये पूरी जानकारी, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, आज यहाँ पर बात करते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है रीनेट होगा या नहीं। लेकिन वही बात है, अभी तक एनटीए की तरफ से जो आखिरी ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें आपके एग्जाम डेट आ चुकी है 21 अगस्त, ठीक है? इक्कीस अगस्त से 4 सितंबर के बीच आपके एग्जाम होने हैं। और हमें क्या देना है, हमें यूजीसी नेट का एग्जाम देना, और यूजीसी नेट का एग्जाम कौन करवाता है, एनटीए करवाता है, ठीक है? तो एनटीए की तरफ से जो आखिरी ऑफिशियल नोटिस था, उसमें ये बताया जा चुका है कि आपका एग्जाम होगा, डेट भी दी जा चुकी है, और अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो अब हमें आगे क्या करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज देखो हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं। आप पहले एक बार ये देख लेते हैं, 21 तारीख को आप मानकर चलिए आपका अपने सब्जेक्ट का पेपर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर हिंदी के विद्यार्थी ज्यादा जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं हिंदी ही ले लेती हूँ कि 21 अगस्त को हिंदी का एग्जाम है, आप ये मानकर चलिए। और आज यहाँ पर तारीख कितनी हो चुकी है, आज यहाँ पर हो चुकी है 23 जुलाई, ठीक है? तो अब आप देखिए आपके पास कितना कम समय बचा हुआ है, 28 डेज आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए कि 28 डेज में आप क्या करना चाहते हैं। आप ये क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछना चाहते हैं कि रीनेट होगा या नहीं, या दूसरा ऑप्शन हो रहा है हमारे पास, क्या है दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करने का, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का, ठीक है? आज 23 जुलाई हो चुकी है, 28 दिन हमारे पास है, 21 अगस्त को आप मानकर चलिए आपका एग्जाम है। हमें नहीं पता कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में सभी सब्जेक्ट के एग्जाम हो जाने हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता ना अभी। वो तो हमें एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले बताते हैं एनटीए वाले कि आपका जो है एग्जाम इस दिन होने वाला है, ठीक है? अभी हमें नहीं पता है, तो हम यही मानते हैं क्योंकि 21 अगस्त से पेपर है भाई, 21 अगस्त को भी किसी ना किसी सब्जेक्ट का तो होगा ना एग्जाम, तो हम अपने सब्जेक्ट के ही मानकर चलते हैं। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इंग्लिश मानिए, संस्कृत है संस्कृत, कंप्यूटर साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप मानकर चलिए आपका 21 तारीख को होगा। अब आपके पास 28 दिन बचे हुए हैं, ये बात मैंने आपको कल भी कही थी, आज फिर एक बार बता रही हूँ। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या अगर 28 दिन में यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, तो हमारी तैयारी उतनी ही अच्छी है जितनी तैयारी जब हम 18 जून को एग्जाम देकर आए थे, उतनी अच्छी थी क्या? हमारी तैयारी उतनी ही अच्छी है, अपने आप से सवाल पूछिए ये, क्योंकि 18 जून से यहाँ पर जो है आज यहाँ पर 23 जुलाई हो चुकी है, और इस 1 महीने में जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है ना, जिनके 110 क्वेश्चन सही है या 100 क्वेश्चन सही है, सबको पता होता है कि उनका एग्जाम कैसा गया, सबने आकर आंसर की भी मिला ली है, ठीक है? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अपने आप से सबसे पहले पूछिए कि इन 28 दिन में क्या हम नेट जरा क्लियर कर पाएंगे, क्या हमने अपना 1 महीना ये खराब तो नहीं किया जो 18 जून से 23 जुलाई के बीच का समय गया है, क्योंकि जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ था, बस वे उसी दुआ में लगे हुए हैं कि एग्जाम जो है दोबारे ना हो, रिजल्ट आ जाए, ठीक है? वे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम होता है, तो फिर क्या करोगे आप लोग, है ना? आप अगर इन्हीं उसमें रह जाओगे चीजों में, रीनेट होगा या नहीं, तो आप फिर अपनी तैयारी कब करोगे, ये बात अपने आप से पूछिए, क्योंकि इंसान हर किसी से झूठ बोल लेगा, खुद से तो नहीं बोल सकता, उसे पता है कितने पानी में है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, जाहिर सी बात है कुछ दिन में हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये कुछ दिन करते 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 ना, आप ये देखिए 19 जून को हमारा पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ था 19 जून को पेपर, 23 जुलाई आ चुकी है और अभी तक वही सवाल जो का त्यों बना हुआ है, 1 महीना हो चुका है। आपको लगता है 2-3 दिन में नतीजा आ जाएगा, 2-3 दिन में नतीजा आ जाएगा, नतीजा आने के बजाय चीजें जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप ऑलरेडी 1 महीना जो है खराब कर चुके हैं इन चीजों में, जो आपके 28 दिन बचे हुए हैं ना, इनको खराब मत कीजिए इन चीजों में। जो भी फैसला आएगा, जो भी न्यूज आएगी, वो आपको मिली जानी है ना, सब जगह जो आपको बता दिया जाता है और आपको खुद भी पता चल जाता है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल जानकारी आती है। तो अब ये 28 दिन जो है, इनका अपना एक शेड्यूल बनाइए कैसे आपको पढ़ना है। अगर 21 अगस्त को हमारा एग्जाम है तो क्या हमारी इन 28 दिन में रणनीति होनी चाहिए, ये आपका जो है आप काम है। इस क्लास को देखने के बाद सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इन 28 दिन में हम कैसे तैयारी करें, ठीक है। और मान लीजिए एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, चलो हम ये भी मान लेते हैं, हमने ये तो मान लिया कि 21 तारीख को एग्जाम होगा, हम ये भी मान लेते हैं एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, दिसंबर वाला एग्जाम तो देना ही है ना, ठीक है। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा तो जून वाला अगर रिजल्ट आता है तो हम तो क्लियर है कि हमारा जीआरएफ हो जाएगा, तो हम क्यों पढ़े, है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहली बात तो अगर पढ़ लोगे तो कुछ जाएगा नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे और एग्जाम हो गया ना तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, इस बात का ध्यान रखो। दूसरी बात है, आगे जाकर आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम देने ही है ना आपको, जो वैकेंसी आती है प्रोफेसर की हो, जिन बच्चों का बीएड है, वे केवीएस एनवीएस DSSSB सब एग्जाम फॉर्म भरते ही है, और उसमें जो हिंदी आती है ना, जिस बच्चे ने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया ना अच्छे से पढ़कर, वो ये एग्जाम भी आसानी से हिंदी जो आती है उन एग्जाम में आराम से अपने सब्जेक्ट की हिंदी कर लेगा, तो आप उन एग्जाम की आपको हेल्प होगी। तो इन 28 दिन को खराब मत कीजिए, हम ऑलरेडी 1 महीना खराब कर चुके हैं इन बातों में, तो अब आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। आज आपका ये शेड्यूल बन जाना चाहिए कि इन 28 दिन में क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कैसे हमें पेपर 1 और पेपर 2 पर काम करना है, आज का आपका ये काम होना चाहिए। ये स्पेशल इसीलिए आज की क्लास में आपको ये बता रही हूँ अलग से, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत हो चुका है एग्जाम को लेकर, और सच्चाई ये है किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। आखिरी जो ऑफिशियल न्यूज है वो यही है कि अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है आपके एग्जाम को लेकर, कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं था तो पेपर दोबारा करवाने का कारण ही नहीं बचता, ठीक है। ये आखिरी ऑफिशियल न्यूज है, इसके बाद कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, और कोई भी आपको 100% श्योर नहीं बता सकता कि एग्जाम होगा या नहीं, ये तो किसे पता है, कोई नहीं जानता, ठीक है। एनटीए को भी खुद को मालूम है या नहीं पता नहीं, ठीक है, वे क्या करना चाहते हैं वे ही जानते हैं वह, ठीक। तो हमारा काम क्या है, जो ये 28 दिन बचे हुए हैं इन पर काम करना, इनको अच्छे से जो है पढ़ लेना है इन दिनों में, इन दिनों को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। और जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं वे, मैं जानती हूँ वे इस चीज को सीरियसली लेंगे और आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बता दूंगी, और यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी और आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, एक फ्री प्लेटफॉर्म आपको चाहिए जहाँ पर अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, काफी यूनिट मैंने आपको फ्री में करवाई हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग, आपके लिए काफी यूजफुल ये क्लास होने वाली है। साथ ही हमारी सभी जानकारी के लिए जो भी एनटीए की तरफ से अपडेट आती है या अन्य एग्जाम की भी कोई अपडेट आती है, तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। साथ ही जो है आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और आप एनटीए की हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाय टाटा, धन्यवाद।